हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का जो सिस्टम होता है, जो भी स्टूडेंट वगैरह हमारे इधर उतरते हैं या और कोई भी हमारा फ्रेंड इधर उतर है तो क्या प्रोसेस होता है। तो भाई, पीछे हमारी पार्किंग है, पार्किंग 1 से हमने सीधा जो है इधर चले जाना है। ये रूट जो है वो सीधा जाता है पिकअप पॉइंट के पास। तो आगे का मैं व्यू आपको जो है वो दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। और जो हमारे साथी जिनको मान लो कोई पिक करने नहीं आ रहा, तो जैसे होता है ना कि यार किसी का कोई नोन नहीं है या कुछ नहीं है, अगर उसने बस लेनी है तो जब भी आप टर्मिनल से निकलते हो ना, तो सीधी बस लेन उसके नीचे ही है। बिल्कुल आप देख सकते हो बस लेन। मैं दूसरे कैमरे से आपको जो है वो उसके व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। तो भाई, ये जो व्यू है ये तो अब यहाँ पे सभी जो आ चुके हैं लोगों का, उनका व्यू आप पीछे मेरे देख सकते हो। ऐसी स्क्रीन्स लगी होती हैं यहाँ पे हर जगह, आप देख सकते हो मुंबई दिल्ली। तो आप बीच में अगर नाम पढ़ो इधर, अगर आप नाम पढ़ो इधर से मुंबई दिल्ली, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई फ्लाइट जो है वो कौन सी लैंड हो रही है, कौन सी आने वाली है। तो ये वो क्राउड है जो भाई अभी तक जो है वो आ चुका है। तो इधर से आप जिसे पिक करने आ रहे हो तो इधर से पिक करोगे। ये हमारे सनी भाई हैं। सनी भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड, थैंक यू। तो भाई, ये है टर्मिनल 3। इंडिया की जो मोस्ट ऑफ फ्लाइट्स जो आती हैं वो टर्मिनल 3 पे ही आती हैं। तो इधर से आपको बाहर आना होता है जो भी आने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हो इधर सारे वो लोगों की वेट कर रहे हैं, और वो डोर्स हैं सामने जिधर से आप देख रहे हो आगे से कि लोग जो है निकल के बाहर आ रहे हैं। तो इधर से ही आपने एग्जिट करना है। तो मेक श्योर अगर आपको कोई लेने आएगा तो आपने उधर से सीधा आ जाना है, आपकी वेट जो भी कर रहा है वो इधर ही कर रहा होगा, है ना। तो ये टर्मिनल 3 का व्यू है, आप देख लो। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको अब बताऊंगा कि इंटरनेट जो है आपने कैसे चलाना है जब आप लैंड होते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से। वाईफाई पे जाना है, आप देख रहे हो ऊपर सीधा हीथ्रो का आ रहा है, कनेक्ट करो, टिक करो। उसके बाद सीधा आप जब सेटिंग में जाते हो तो नॉर्मल सा जो है वो पेज निकल के आएगा। उसमें क्या करना होता है, आपको साइन इन करना है, जो आप देख लियो ना ये पर्पल कलर का, और भी बहुत सारी ऑप्शन है लेकिन पर्पल कलर का जो है उसमें आपने साइन इन करना है। उसके बाद सिंपली आपने जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होती है, लाइक अपना नाम बताना होता है। अगर आप चाहते हो फेसबुक को आप दे सकते हो अपनी, है ना, कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। बस आपने अपना नाम फिल करना है और उसके बाद जो है वो अपनी ईमेल आईडी देनी होती है। तो अगर आप ये सारा कुछ फिल कर दोगे तो ईजी जो है वो आपको, मैं आपको थोड़ी हाइड कर रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी, सॉरी फॉर दैट। तो ईजी आप जो है वो ऑनलाइन हो जाओगे, आप देख रहे हो ऑन द स्क्रीन। तो ये सिंपल सा वे है, इससे आप जो है अपने घर वालों को बता सकते हो, जो लेने आ रहा है उसे बता सकते हो कि आप जो है वो सही सलामत पहुँच चुके हो। आप ऊपर भी देख रहे हो कि वाईफाई का जो है वो निशान आ चुका है। तो दैट्स द सिंपल वे। तो भाई, जो मेन बात आपको मैंने बतानी थी, जैसे बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो इधर से निकलते हैं, मान लो टर्मिनल से निकलते हैं 3 से, ना अराइव कर लेते हैं इधर, लेकिन उनका कोई नोन नहीं है इधर, है ना, कोई जानने वाला नहीं है। तो उन्हें क्या करना होता है, जहाँ पे बस की सर्विस सभी कुछ अवेलेबल होती है, आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्क पर आके जो है वो आप बस वगैरह भी जो है वो बुक कर सकते हो। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे बुक जो है वो कर सकते हैं, आपको मैं एक वीडियो बताने की जो है वो ट्राई करता हूँ। तो गाइस, इधर से आप जो है वो मान लीजिए वो नेशनल एक्सप्रेस जो है वो बस है इधर की, तो इधर से काउंटर से आप जो है वो टाइमिंग वगैरह पूछ सकते हो और बुक कर सकते हो कि आपकी बस जो है वो कौन सी सिटी में जा रही है, एवरीथिंग। तो गाइस, एक और पते की बात जो है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन मान लो अगर आपको जो कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना कि बस कहाँ से लेनी है, जहाँ किसी को कैसे मिलना है, आपका फ़ोन भी नहीं चल रहा, तो आप मेरे पीछे चेक कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे अपने आपको जो है एशियन बंदे भी जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे सरदार भाई, अगर आपको किसी और की पहचान नहीं आती तो सरदार भाई हमारे, तो आपको पहचान आ जाती है ना कि हाँ भाई ये बंदा अपना। तो बहुत सारे बंदे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अपने एशियन, आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मान लो आप इंग्लिश में इतने कम्फर्टेबल नहीं फील कर रहे, तो आप थोड़ी देर उनसे पंजाबी में बात करो, हिंदी में बात करो, सो दैट आप जो है थोड़ा कम्फर्टेबल फील करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है थोड़ा डाउन जाएगा। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो आप देख सकते हो बस टैक्सी जो है वो आपको स्ट्रेट सामने मिल जाएगी, है ना।
जी बस ट्रैक जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ऊपर से, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो जो मैंने ऊपर से दिखाया था स्टार्टिंग में, तो ये नीचे वाला व्यू ये है, ये वो बस लेन है, इधर से आपको जो है वो बस मिल जाएगी। तो वेदर तो सनी भी अच्छा लग रहा है फिलहाल। वेदर तो अच्छा ही है, ठीक है। तो गाइज ये आप देख सकते हो आपके सामने बस है जो हीथ्रो के बिल्कुल टर्मिनल के जो है वो बाहर आई है, वो टर्मिनल 3 आप पीछे देख रहे हो, अगर आपको नज़र आ रही है तो बिल्कुल बाहर बस आ जाती है। अगर आपको कोई नहीं जानता तो कोई बात नहीं है, इतनी दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है वो बस में भी सफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो गाइज वापसी हो चुकी है हीथ्रो एयरपोर्ट से, तो भाई को पिक करना था वो हमने कर लिया है, और मेरे से जितना बताया गया मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे जो है आप वहाँ से निकल सकते हो। तो मोटा मोटा जो है मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई आपको टैक्सी वाला जो कोई भी उठाने नहीं आता, तो जो भी मैंने आपको जगह बताई है आपको वहीं से बस मिल जाएगी, मैनचेस्टर की मिल जाएगी, लंदन की मिल जाएगी, हर जगह की मिल जाएगी, वहीं से आपको टैक्सी मिल जाएगी। आपने डेस्क पे जाके जो है वो बता देना है, टैक्सी का आपको जो है वो फ़ोन पे ऑर्डर जो है वो मंगवा देंगे। तो भाई सिंपल यार, डरना किसी बात से नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वाईफाई आपने जो है वो कैसे कनेक्ट करना है, तो ईजी आप कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपका कोई नोन है तो आप उसे भी जो है वो बता सकते हो कि आप पहुंच गए हो सही सलामत। आप अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि आप जो है वो सही सलामत जो है वो लैंड हो चुके हो। तो भाई ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको जो है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो आगे आगे क्या इनका प्रोसेस रहेगा, कैसे कोविड टेस्ट होता है, सारा कुछ मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। आप जुड़े रहें चैनल के साथ। अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बना के डाल दिया है, अगर आप जाके वो वीडियोज़ देख लेते हो तो आपके 80-90% डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट बाकी रहता है तो मैं आपको ये इंस्टाग्राम आईडी, अपनी सारी टिकटॉक की आईडी, सभी कुछ इधर मेंशन कर दूंगा, आप उधर जाके जो है वो मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।